आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेना की कश्मीर की माओं से अपील, भटके बेटों को कहें कि वे घर लौट आएं, कोई युवा आतंक के रास्ते पर गया तो मारा जाएगा। कमलनाथ सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाराज, गृह और वन मंत्री को लिया अड़े हाथों। मुख्यमंत्री कमलनाथ का नायक स्टाइल का वीडियो वायरल, इसमें कमलनाथ की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का वीडियो, पुलिस के पास पहुंची शिकायत। और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, सलमान की फिल्म से आतिफ असलम का गाना हटाया। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले के 100 घंटे के भीतर भारतीय सेना ने बदला ले लिया और जैश के कश्मीर के सबसे बड़े कमांडर कामरान को मार गिराया। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने बताया कि सेना ने 100 घंटे के अंदर बदला लिया है। उन्होंने कश्मीर की माओ से अपील की है कि वे अपने भटके बेटों को कहें कि वे घर लौट आए। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी युवा ने बंदूक उठाई और आतंक के रास्ते पर गया तो मारा जाएगा। मंगलवार को सेना, CRPF और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई। सेना की ओर से बताया गया कि पुलवामा आतंकी हमले में ISI का हाथ होने का शक है। वहीं कश्मीर में जैश के सभी टॉप कमांडर ढेर होने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। सेना के प्रवक्ताओं के मुताबिक जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का बच्चा है और जैश को ISI और कंट्रोल कर रहा है। कश्मीर में बहुत समय बाद कार बम का प्रयोग किया गया है। सेना ने कहा, कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा, हम नहीं चाहते कई स्थानीय नागरिक घायल हो, बेगुनाह नागरिक मरे। नागरिक सिक्योरिटी के चलते हमारे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादियों के नाम सेना का सख्त पैगाम है, मां अपने आतंकी बने बच्चों से सरेंडर करने के लिए कहें। सेना के पास सरेंडर पॉलिसी है, आतंकी सरेंडर करें। यू नो इट बेटर देन मी इन कश्मीर, कितने गाजी आए कितने चले गए। सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ऑल दिस एलियासेस कीप हैपनिंग and we'll handle them, there's no problem about it, let any Ghazi come. Now talking about the situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it, a lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. Pakistan Army, Jaish-e-Mohammed, Pakistan Army ka hi ek bacha hai. Jaish-e-Mohammed ko Pakistan Army hi control kar rahi hai aur ISI hi control kar rahi hai. और जैसे कि आपने कल जैश ए मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। सेना ने कहा, कश्मीर में कितने गाजी आए कितने चले गए। पुलवामा हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ, कश्मीर में जो भी घुसपैठ करेगा वो मारा जाएगा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान ही था। कामरान को लगातार ISI के निर्देश मिल रहे थे। पाक सेना के कहने पर जैश ने पुलवामा हमला किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के निशाने पर कमलनाथ सरकार और उनके मंत्री आ गए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन और वन मंत्री उमंग सिंघार से दिग्विजय सिंह खासे नाराज हैं। जिन मसलों के दम पर लड़ते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई, कमलनाथ सरकार ने उन मुद्दों को ही खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा नदी के किनारे हुए वृक्षारोपण घोटाले को मुद्दा बनाया था। दोनों मसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक ने टिप्पणी कर दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनते ही इन मामलों पर तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। इस सबसे पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार के मंत्रियों से खासे नाराज हैं। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी ने भाजपा का को एक क्लीन चिट से दे दी। गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि मंदसौर की जो पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया।
ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए गए सही लगाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे मैं 3100 किलोमीटर चला हूँ जनाब, आप कितने किलोमीटर चले हैं जरा पता लगाइए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की। दिग्विजय सिंह एमपी के गृह मंत्री और वन मंत्री के विधानसभा में दिए जवाब से असंतुष्ट हैं। कहा गृह मंत्री ने मंदसौर किसान गोलीकांड में एक तरह से बीजेपी को क्लीन चिट दे दी है। वहीं वन मंत्री को क्या जरूरत थी नर्मदा किनारे पौधारोपण के बारे में गलत जानकारी देने की, मैं खुद सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला हूं। वन मंत्री बताएं कितने किलोमीटर चले हैं। दिग्विजय की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ से ये सवाल बनता है कि मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा किनारे पौधारोपण को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों मंत्रियों को या तो मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए या फिर प्रदेश की जनता से कांग्रेस माफी मांगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नायक स्टाइल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कमलनाथ की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से की गई है, जो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं और सिस्टम को बदलते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूबे की कमान अपने हाथों में लेने के बाद भले ही कोई बड़े और चमत्कारी फैसले नहीं किए हों, लेकिन कुछ लोग उनकी तुलना नायक फिल्म के एक दिन के सीएम अनिल कपूर से कर रहे हैं। कमलनाथ की छवि को बनाने के लिए पिछले काफी समय से इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। नए वायरल वीडियो में कमलनाथ नायक स्टाइल में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मार्ग का सिस्टम को बदलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो सिवाय तबादलों के कुछ नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के हर गुट को साधकर चलने में कमलनाथ का समय जाया हुआ है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस तरह के वीडियो से ही उनकी छवि चमकाई जाए। बिलासपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई के एक वीडियो ने सियासत में उबाल ला दिया है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर तत्काल दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर के कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलवामा की घटना के बाद सीआरएसएस के लोगों ने 17 सितंबर 2018 को कांग्रेस भवन में पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था उस वीडियो को गलत ढंग से फेसबुक में वायरल किया है। कांग्रेस के नेता अपने कुछ कार्यकर्ता के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचे और इस मामले की लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। कांग्रेस भवन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हम कांग्रेसी कश्मीर की घटना को लेकर पहले दिन से ही बहुत उद्वेलित और दुखित हैं कि हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए हैं। इस घटना को लेकर पूरा विपक्ष सत्ता और संगठन सत्ता के साथ है, शासन के साथ है कि शासन जो भी निर्णय लेगा उसमें पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। पर जिस तरीके से आरएसएस को लोग चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कांग्रेस भवन में लोग, इसको लेकर हम लोग एफआईआर कराने आए। एक ज्ञापन दिया है कि फेसबुक में जो लाठीचार्ज की घटना पिछले दिनों में हुई थी उस पर से कोई आरएसएस आस्था तिवारी संस्था को लिंक किया है और उसमें पाकिस्तान से जोड़कर इनको बदनाम करने की कोशिश की है, तो इस पर से हम ज्ञापन लेके हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया आईटी एक्ट के तहत और इसकी भी जांच की जा रही है। अभी साइबर सेल को हम भेज रहे हैं इसका कि किसने दिया है और आरोपी कौन है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चल रहे तबादला उद्योग पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निशाना साधा और कहा कि कोई अदृश्य शक्ति ट्रांसफर करवा रही है। भार्गव ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार तबादलों में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे ताबड़तोड़ तबादले और फिर उनको रद्द करने के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है। गोपाल भार्गव ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा के सत्र में तबादलों समेत दूसरे मुद्दों को भी विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। विधानसभा के सत्र में अनेकों ऐसे ज्वलंत विषय हैं
जिनसे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था। प्रदेश में एक भी किसान का आज की तारीख तक कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि 10 दिन में उन्होंने चुनाव में इस वायदे को किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सर्वविदित है। स्कूली बच्चों के अपहरण हो रहे, हफ्तों हो गए अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है। ट्रांसफर तो एक उद्योग बन गया है मध्य प्रदेश के अंदर। अनेकों ऐसे विषय हैं, पाला ओला तुसार, कोई सर्वे नहीं हो रहा, कोई राशि नहीं मिल रही किसानों के लिए आरबीसी 6-4 में, अनेकों ऐसी बातें हैं दर्जनों जिनके बारे में हम इस सत्र में उल्लेख करना चाहेंगे। दरअसल कमलनाथ सरकार इस समय तबादलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सभी बीजेपी विधायकों के नाम पत्र लिखा कि कार्यकर्ताओं को कोई अफसर प्रताड़ित करे तो मुझे बताएं। पत्र में उन्होंने विधायकों को लिखा कि विधानसभा सत्र में अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोजगार के नए विकल्प तलाशने के लिए उद्योगपतियों के साथ भोपाल के मिंटो हॉल में मीटिंग की। इंडस्ट्रियल लीडर्स राउंड टेबल मीटिंग चर्चा बहुत हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार मध्य प्रदेश में रोजगार व उद्योगों के नए विकल्पों को और आयामों को लेकर आएगी। इसी के तहत मंगलवार को मिंटो हॉल में इंडस्ट्रियल लीडर्स राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश व देश के जाने माने उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और अधिकारियों से राउंड टेबल मीटिंग की। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग नीति में कई प्रमुख बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल इसके कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। भोपाल के अवधपुरी इलाके में एक चलती कार में आग लग गई। कार में आग लगने के बाद उसे चला रहे मैकेनिक और उसके मालिक ने कार से जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अवधपुरी थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि कार मैकेनिक और कार मालिक ने कार से कूदकर खुद की जान बचाई। गाड़ी कार मालिक ने मैकेनिक के यहां सर्विस करने भेजी थी। मैकेनिक के साथ कार की टेस्ट ड्राइव पर आए थे। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 26 से 28 फरवरी तक भोपाल में होगा। एक बार फिर इतिहासकार इस आयोजन में अपने अपने अध्ययन के साथ तर्क वितर्क करते नजर आएंगे। 26 से 28 फरवरी तक भोपाल में होने वाले इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में देश के जाने माने इतिहासकार भाग लेंगे। इतिहासकारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में आने वाले इतिहासकारों में अंतर विरोध होता है। बीजेपी और संघ से जुड़े लोग ऐसे बिंदु लाते हैं जिनका तथ्यात्मक रूप से कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता। कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो सबसे पुरानी है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके बाद पहले मैं चीफ मिनिस्टर था, तब भी हमने 2001 में करवाया था, जिसमें डॉक्टर करण सिंह जी आए थे और सभी सीनियर लीडर आए थे। ये हम आभारी हैं माननीय कमलनाथ जी के, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का यहाँ सम्मेलन कराने का फैसला किया और पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा होती है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि 35 से लेकर अब तक इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, इस संगठन का कोई ये पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। तो जहां भी होता है कोई लोकल यूनिवर्सिटी, लोकल सरकार, वो पूरा खर्चा उठाते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पूरा इसको स्पॉन्सर कर रही है और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को इससे कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं होता है कि आप कैसे करेंगे, सिर्फ ये है कि हम मेहमान रहेंगे और सरकार हमारी मेजबान रहेगी। चलती ट्रेलर गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। वाहन चालक ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। दमकल वाहन और पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कोरबा में एक ट्रेलर खेत में जाकर पलट गया। बताया जा रहा है ड्राइवर ने इस गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की तो चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी को आग पकड़ता देख गाड़ी से छलांग लगा दी, लेकिन ये बड़ा वाहन खेत में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू किया, लेकिन दमकल वाहन और पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहगीरों की मदद से नहर के पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घटना उरगा थाना क्षेत्र के कनबेरी गांव की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 फरवरी को रतलाम में किसानों की कर्ज माफी की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। किसान कर्ज माफी का पूरा खाका सामने आ चुका है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ रतलाम से कर्ज माफी की शुरुआत करेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने 11 दिसंबर 2019 तक पूरा या कर्ज का कुछ हिस्सा जमा कर दिया है उनको भी कर्ज माफी का फायदा मिलेगा। 22 फरवरी को रतलाम में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी दिन से किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि आना शुरू हो जाएगी। सरकार 1 मार्च तक प्रदेश भर में किसान सम्मेलनों का आयोजन करेगी। साथ ही किसान सम्मेलन में कर्ज माफी होने वाले किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत हिरदाराम नगर में पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ थोक वस्त्र व्यवसाय संघ और समर्थ कपड़ा व्यापारियों ने चंचल चौराहे से कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। संत नगर के थोक वस्त्र व्यवसाय संघ और समर्थ कपड़ा व्यापारियों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में चंचल चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद जवानों के लिए मौन रखा गया। व्यापारियों ने मोमबत्ती हाथों में लेकर रैली निकाली। रैली में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली संत नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई संत जी की कुटिया परिसर में सम्पन्न हुई। छतरपुर में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पीड़ित से 3 सूदखोर युवक लगातार पैसे की मांग के साथ उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मामला छतरपुर के धमौरा गांव का है, जहां 21 वर्षीय संतोष तिवारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल पर मृतक संतोष ने एक सुसाइड नोट में गाँव के 3 युवक नीरज राय, राजेश तिवारी सहित अन्य पर आरोप लगाया है। यह तीनों उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पिताजी ने इन लोगों से 1 लाख रुपए लिए थे। पैसे नहीं दे पाने की वजह से उन्होंने धमकी दी, यदि पैसे नहीं दिए तो तुम्हें गोली मार देंगे। धमकी के बाद इस युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि इसकी माली हालत ठीक नहीं थी। दो जन हमें रुपया की धमकी चाहिए, ऊपर के हमारे रुपया उनसे 60,000 मिलते, 10,000 को 20 साल 45,000 रुपया उन्हें आवे दीजिए। तो उन्होंने कल लड़का हाँ धमकी गई कि 1 लाख रुपया देना है तुम्हारे बाप को, और बल्ला अपने जायका को फोन कर दवा दी जाए, हम अपनी मंजूरी निकल गाड़ी चलाई तो बस हम सभी यहाँ आए। बस उसे खबर पहुँची 9-10 बजे, तो बस लायका में फोन दीजिए। बस उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। नोट लिखा है कि राजेश तिवारी इनसे 60 लाख की 1 लाख रुपए मांग रहे थे, गोली मारने की धमकी दे रहे थे। प्रकरण अभी अभी का है, उस पर जाँच की जा रही है। जाँच करने के बाद फिर चेक करें। अब चक्का जान वाली बात है, अभी जानकारी मिली है, आए हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने हटा लिया है, कोई समस्या नहीं। खुदकुशी से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक संतोष का रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, लेकिन पुलिस का कोई भी जवान वहां नहीं पहुंचा। 2 घंटे तक लगे जाम को खुलवाने पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए परिजनों ने सुसाइड नोट पर लिखे नामों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। बिलासपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से जख्मी छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सकरी थाने के ठीक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सकरी डेंटल कॉलेज से पढ़ाई कर ये छात्राएं अपने घर जा रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप स्कूटी की हालत देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। स्कूटी पूरी तरह से ट्रक के अगले पहियों में फंसकर चकनाचूर हो गई। सकरी पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति के सदस्यों की बैठक हुई। ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तर्ज पर जन घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है।
ओडिशा में घोषणा पत्र को लेकर बैठक हुई। यहां भी छत्तीसगढ़ जैसा जन घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। बैठक में अहम रूप से ओडिशा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष गणेश्वर बेहरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ जन घोषणा पत्र के कोऑर्डिनेटर पंकज सिंह और ओडिशा के घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इंडस्ट्री में काम कर रहे पाकिस्तानी एक्ट्रेस और आर्टिस्ट को पूरी तरह से बैन करने की घोषणा की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तानी सिंगरों के गाने हटा लिए हैं। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रौनक सुरेश जैन ने बताया कि हम सभी के लिए देश पहले है और हम सब देश के साथ खड़े हैं। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी एसोसिएशन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले में देश के 44 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा व्याप्त है। राजनीति, खेल जगत और बॉलीवुड ने भी इस घटना के बाद काफ़ी दुख जाहिर किया है। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने शहीदों के प्रति अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस हमले की निंदा की है। वहीं कई लोग शहीद के परिवारों की मदद के लिए भी आ गए हैं। इस मामले में सिने एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट को पूरी तरह बैन करने का फैसला लिया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से पाक सिंगर आतिफ असलम का गाना हटाने की बात कही है। इससे पहले टी सीरीज ने भी आतिफ का गाना यूट्यूब से अनलिस्टेड कर दिया है। सलमान खान से पहले अजय देवगन भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वे अपनी फिल्म टोटल धमाल पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। हाल ही में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तानी कलाकारों को पूरी तरह से बैन करने का आधिकारिक पत्र जारी किया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस और कलाकारों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से आधिकारिक तौर पर बैन कर रहे हैं। बावजूद इसके यदि कोई संस्था पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने कराची में प्रस्तावित अपना एक दौरा कैंसिल कर दिया है। अब सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में पाक सिंगर आतिफ असलम का गाना हटाने की बात कही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। हमेशा की तरह जर्जर भोपाली आपके साथ, आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा हूं। मेरा नाम है जर्जर भोपाली। अरे कल्लन मियां, अरे यार रोज चाय लेके आ जाते हो, कॉफी पिलाओ ना। ये इतना टाइम निकाल के आती है हमने फेसबुक वगैरह छोड़ के अपनी न्यूज़ सुनने, बताओ ये तुम चाय पिलाती रहती हो, कॉफ़ी पिलाओ आज। अब भाई फॉरेन से शुरू कर रहा हूँ आज, हैं ये इमरान खान पाकिस्तान फॉरेन है ना, ये इमरान खान ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भिड़बड़ा गए बता रहा हूँ। कल इनके यहाँ सऊदी प्रिंस आए थे, उनको लेने गए ये एयरपोर्ट पर, बता खुद ही गाड़ी चला के आ गए। ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की कोई डिग्निटी नहीं है इनको, बता रही हूँ। ये चल जाए वो, हाँ उनके भाषण वगैरह चल रहे थे, इनके राष्ट्रपति भाषण बैठ के भाषण शुरू कर दिए, बताओ जब इन किसी ने इनको टोका हैं तब जाके वो खड़े हुए। ये बताओ ये मेहमान को बुला के बेइज्जती कर रहे हैं, वहीं पाक ये इमरान खान वहाँ खाना ही खा रहे थे बैठे बैठे हैं। ये तो चल जाए बता रहा हूँ, ये संपट नहीं बैठ रही इनको। मोदी जी ना भाषणों में रोज है ना दो गोले दाग देते हैं, इनको संपट नहीं बैठ रही। हाँ वही एक दूसरी न्यूज बता रही हूँ, ये भी फॉरेन की है। ये कनाडा में है ना, ये बोध का जो कंपनी है इसके यहाँ 30,000 लीटर पानी है ना चोरी हो गया, बता रहा हूँ। वो पानी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ चोरी शुरू हो गई पानी की। वो ये बाल्टी फेल रही है, बाल्टी बंद करो यार, ये पानी की रेस्पेक्ट करो, बचाओ भैया पानी। अभी गर्मियाँ आने वाली है, एक एक बाल्टी के सर्फ डबल होने वाली है, टैंकरों पर सर्फ फूटते हैं। हाँ वही अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा लो, बता रही हूँ मैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे को बहुत पता है ये इसके बारे में। अभी एक घंटा बोल सकता हूँ बता रहा, टाइम नहीं है मेरे को समाचार पढ़ने हैं दूसरे। और ये ब्रिटेन में देखो एक समाचार फॉरेन का, ब्रिटेन की संसद ने है ना फेसबुक को है ना डिजिटल गैंगस्टर घोषित किया है। अरे गुलशन ग्रोवर वगैरह रहते थे गैंगस्टर, हाँ वो बताओ मैं बता रहा हूँ। फेसबुक के है ना ये अपनी पर्सनल चीज़ें है ना डालने वाला बंद करो, पूरा डाटा है ना चोरी हो रहा है, बता रहा हूँ। किसी दिन मेरे पास मत आ जाना रोते हुए, अकाउंट खाली हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। हाँ और एक समाचार ये देखो, नवजोत सिंह सिद्धू इनको क्या हो रही है, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, बातचीत करो ये करो वो करो। कल ये वो इनकी विधानसभा झड़प हो गई इनसे बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ इनको है असली बात। कपिल शर्मा शो से निकाल दिया इनको,
अब पैसा मिलना नहीं है, फिर स्टेशन में आ गए बता रहे हूँ, हाँ इसलिए बैठ रहे हैं किसी देवी। और ये कमल हसन ये कह रहे हैं कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। अरे मेरा कहना ये तुम्हें ना भैया एक्टिंग करो अपनी, ये राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बता रहा हूँ हाँ। और ये अपने ये कुलभूषण का जो केस चल रहा है, कुलभूषण यादव जी का, उसमें अपने दीपक मित्तल जॉइंट सेक्रेटरी गए और सामने उनको वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मिल गए, उनने हाथ बढ़ा दिया, इनने मना कर दिया। अरे भैया ये पिन्नाटे का वक्त, दिमाग खराब मत करो हमारा, ये बहुत हाथ मिला के बहुत उल्लू बना लिए, अब नहीं छोड़ने वाले हम हाँ बता रहे हूँ। एक स्टेट न्यूज़ सुन लो, ये जयवर्धन सिंह राजवर्धन क्या है? अरे भाई अरे मैं बहुत कन्फ्यूजन होता हूँ राजवर्धन जयवर्धन में। हाँ राजवर्धन सिंह जो मंत्री हैं अपने, ये सड़कों को दौड़ा करने निकले गाड़ी में बैठ के, वो सड़कों के गड्ढे वगैरह देखना थे इनको। और मैं कह रहा हूँ भैया ये बड़े वाली लग्जरी गाड़ी में जिनका शौका भन्नाट होती हैं उनमें बैठ के निकलोगे रोड पे, कहाँ पता लगेगा गड्ढे वड्ढों का? वो असली निरीक्षण करना तो मेरी फटपटिया लेके जाओ, उसका एक एक बोल्ट हिलता है, पूरा म्यूजिक निकलता है बता रहा हूँ। वो परसों में जा रहा था उससे गड्ढे में आ गया, स्लिप डिस हो गई, मेरे को दो बोल्ट मेरे निकल गए पीछे के रीढ़ की हड्डी के। हाँ अब मैं केस करूँगा बता रहा हूँ, हाँ केस करूँगा, रोड टैक्स भरता हूँ। बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरे को अब आज इतना ही। एक शेर सुन लो, मोहब्बत में कभी धोखा नहीं खाना, खाना है तो सिर्फ गुलाब जामुन खाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।